YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ केबल्स की। और नो डाउट बच्चों, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो आपको गेट 2021 में मिलने सकते हैं भाई। ठीक है, तो बच्चों नो डाउट हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। ये टॉपिक को भी हम डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में टॉपिक है और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि हम जितने भी क्वेश्चन अगर केबल से रिलेटेड आते हैं उन्हें परफेक्टली बना सके। तो आपका स्वागत बच्चों। ये बताइए फटाफट से कि मैं परफेक्टली ऑडिबल हूं और विजिबल हूं या नहीं, जल्दी से बता दे बच्चों। ओके, गुड आफ्टरनून शकीना, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून महेश, अनुषा गुड आफ्टरनून, ओके थैंक यू शकीना। ठीक है भाई, मतलब प्रॉपरली सर विजिबल भी है और ऑडिबल भी है। चलिए, तो जो बच्चे नए हैं बच्चों, मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज कृष्णा यादव और बच्चों मैं लास्ट 8 साल से इस पर्टिकुलर फील्ड में हूँ और काफी बच्चों को मैंने मेंटर करा है बच्चों इन पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जैसे गेट, ईएससी, एनपीएसयू एग्जाम्स के लिए। और काफी बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस भी हैं। मैं बेसिकली जो सब्जेक्ट्स में डील करता हूँ बच्चों, वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, आरसीसी है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं डिटेल में बातें बताऊंगा आपको सारी, मगर एक बात मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को। काफी बच्चे लाइव आ जाएं, उनका फायदा हो बच्चों, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में भी मजा आता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करा करें ताकि बच्चों तक यहाँ का कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून नवीन, आते जाओ यार, आते जाओ, फटाफट शेयर कर दो वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आ जाए। ठीक है, चलिए डिटेल में बात करते हैं बच्चों केबल की। सबसे पहली बात आती है सर, केबल है क्या, केबल है क्या या केबल हम यूज क्यों करते हैं। तो बेसिकली बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जैसे सस्पेंडेड ब्रिज होता है ना, सस्पेंडेड ब्रिज हो गया, या फिर हमने ट्रांसमिशन लाइन देखी है, तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी क्या होता है भाई, केबल ही तो है। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ट्रांसफर करते हैं। तो बच्चों जो केबल होती है वो बेसिकली डिजाइन करी जाती है टेंशन फोर्स को लेने के लिए। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कॉम्प्रेशन ले सके या बेंडिंग मोमेंट को ले सके। इस एग्जाम्पल को अगर देखना है तो इसके लिए एक छोटा सा केबल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए भाई, ये आपके पास केबल है, ये केबल ही हो गया। ठीक है, अब अगर मैं कॉम्प्रेशन फोर्स दूं तो ये केबल अपना शेप चेंज कर लेगा, है ना, यानी कॉम्प्रेशन फोर्स तो बियर ही नहीं कर रहा है सर। मगर मैं इसको टेंशन फोर्स दूंगा तो क्या होगा बच्चों, ये केबल मेरे फोर्स को रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये केबल बेसिकली डिजाइन करा जाता है टेंशन फोर्स को लेने के लिए। दूसरी बात बच्चों, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूं, लेट अस सपोज मैं यहां पे ये कोई फोर्स है और ये केबल है। हम जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है सर, मूवमेंट होता है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर मेंबर के अंदर कोई फोर्स देता हूं और इसे कनेक्ट कर देता हूं इस केबल से, तो यहां पे ये फोर्स हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो बच्चों अब अगर मैं फोर्स दूंगा तो ये बेंड कर जाएगा, केबल अपना शेप चेंज कर रहा है, वो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास केबल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ टेंशन के अलावा कुछ नहीं लेता सर। ठीक है सर जी, गुड आफ्टरनून पायल, गुड आफ्टरनून रहीना, आते जाओ बच्चों, आते जाओ, आते जाओ फटाफट। ठीक है, तो इसका मतलब है सर, केबल जब भी हम डिजाइन करेंगे या एनालाइज करेंगे तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज होती है सर, टेंशन, और कुछ नहीं सर। अच्छा सर जी, ठीक है, अब बच्चों कंडीशन समझते हैं। यहां पर जब भी हम केबल की एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस का मतलब क्या होता है सर, एनालिसिस का मतलब होता है कि उसकी इंटरनल रिएक्शन निकालना एज वेल एज एक्सटर्नल रिएक्शन निकालना। ये बेसिक वर्ड हो सकते हैं एक एनालिसिस से। ठीक है, तो एनालिसिस का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शंस को फाइंड करना हो केबल्स की, तो उसे बोलते हैं एनालिसिस ऑफ केबल्स। ठीक है सर, ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, जब भी हम एनालिसिस करते हैं ना केबल की, तो हम एक चीज कंसिडर करते हैं और ये मैं आपको बताता हूं बच्चों कि यहां पे केबल का जो सेल्फ वेट होता है, सेल्फ वेट इज नेग्लेक्टेड और इग्नोर्ड। जब भी हम एनालिसिस करते हैं ना बच्चों, तो हम एक चीज कंसिडर कर लेते हैं कि सेल्फ वेट क्या है सर, नेग्लेक्टेड है या फिर इग्नोर करा गया है। ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करा जा रहा। प्रणाम रजत, आते जाओ बच्चों, आते जाओ फटाफट, आते जाओ। ठीक है,
इसे नेगलेक्ट करा गया है। चलो अब समझते हैं कि केबल के अंदर होने क्या वाला है, एनालिसिस क्या करनी है। ये तो छोटी सी बात हो गई। मान लीजिए बच्चों अभी केबल पे कोई लोडिंग नहीं लगी हुई है, पहली कंडीशन ले लेते हैं, कोई लोड नहीं है सर। बहुत ध्यान सुनना बच्चों, नो लोड। केबल से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, गारंटी उड़ा दोगे। बस इसको ध्यान से देखो, नो लोडिंग कंडीशन ले लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास दो सपोर्ट कंडीशन है, दो सपोर्ट कंडीशन है, एक सपोर्ट ये रहा, एक सपोर्ट ये रहा, और इन दोनों सपोर्ट के बीच में मैंने केबल को रख दिया है ना। अभी यहां पर कोई लोडिंग नहीं है और सल्फेट को मैंने नेगलेक्ट कर रखा है। क्या बोला? सल्फेट को नेगलेक्ट कर रखा है और कोई लोडिंग नहीं है, तो ये केबल जिस शेप में है उसी शेप में रहेगी बच्चों, इसलिए ये स्ट्रेट रहेगी। इस केस में अगर मैंने क्या कर रखा है बच्चों, सल्फेट को नेगलेक्ट करा हुआ है, सल्फेट इज नेगलेक्टेड। अच्छा सर, तो ये कैसी रहेगी भाई? ये एज इट इज रहेगी दो जॉइंट के बीच में। ठीक है सर जी, ये बात क्लियर होती है। दूसरा पॉइंट समझो यार, दूसरा पॉइंट समझो। मान लो बच्चों अभी मैंने इस पे लोडिंग तो नहीं लगाई है, वापस से मान लेता है नो लोड कंडीशन है, कोई लोड नहीं है सर, मगर इस केस में मान लो मैंने सल्फेट कंसिडर करा हुआ है। क्या कंसिडर करा हुआ है? सल्फेट कंसिडर करा हुआ है, तो क्या होगा सर? मेरे पास ये वापस से दो सपोर्ट है बच्चों, मैंने सल्फेट कंसिडर करा हुआ है, तो सल्फेट कंसिडर करोगे तो क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों कि केबल के अंदर जो सल्फेट होगा वो यूडीएल की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? हाँ सर, और अगर यूडीएल की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये केबल कुछ ऐसा शेप ले लेगी। ठीक है, ये सल्फेट कंसिडर्ड है यहां पे। ठीक है, तो बच्चों ये जो शेप है ना, इसको बोलते हैं कैटेनरी शेप। क्या बोलते हैं? कैटेनरी शेप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं बच्चों, कई बार डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ध्यान रखना। कैटेनरी शेप यानी कोई रैंडम शेप है बच्चों जो ऑटोमेटिकली केबल अपने वेट से ले ले रही है। जैसे भाई मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है दो एंड से, ये अपने आप कोई शेप बना लेती है। अगर आपने कोई गोल्ड चेन पहनी है तो गोल्ड चेन भी अपने वेट के कारण कोई ना कोई शेप ले लेगी, उसे बोलते हैं कैटेनरी शेप। तो ये बात का ध्यान रखना, कैटेनरी शेप कब आया? जब आपने इसके सेल्फ वेट से लिया है, सेल्फ वेट को कंसिडर करा है। ठीक है, सेल्फ वेट के कारण कंसिडर है। एक और कंडीशन में कैटेनरी शेप आता है बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास वापस से दो सपोर्ट है और इन सपोर्ट के बीच में मैंने केबल को बाइंड कर दिया। ठीक है, और मैंने क्या करा बच्चों, केबल के अंदर जो लोडिंग करी गई है वो केबल की लेंथ पे करी गई है ना, केबल के लेंथ पे मैंने लोडिंग लगा दी। तो केबल के लेंथ पे जब भी लोडिंग लगेगी, और वो भी कौन सी? यूडीएल लगेगी, तो वापस से आपका शेप जो बनेगा वो कैटेनरी ही बनेगा, है ना। ये भी सब पढ़ लो, जेई वाले भी पढ़ सकते हैं, एई वाले भी पढ़ सकते हैं, गेट वाले भी पढ़ सकते हैं, टॉपिक तो कॉमन ही होता है, है ना। कंसेप्ट हम समझ रहे हैं यहाँ पे बच्चों ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आप कोई भी उससे हैं, सिविल से होना चाहिए, बस ये बात का ध्यान रखना भाई। सिविल के अलावा के बच्चे होंगे तो उनका कोई फायदा नहीं है, तो केवल पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन उड़ा दोगे, गारंटी है। ठीक है, चलिए भाई ध्यान सुनो। तो कैटेनरी शेप, कैटेनरी शेप भी कंसिडर कर सकते हो। कैसे? सर यूडीएल लगा होगा पूरे लेंथ ऑफ केबल पे, तो उसे हम कैटेनरी शेप बोलेंगे, या सेल्फ वेट से लेंगे तो कैटेनरी शेप बोलेंगे। ठीक है सर, और क्या है सर आपके पास? अब मान लो बच्चों, अब मैं लोडिंग कंडीशन लेके चलता हूं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास पॉइंट लोड लगे हुए हैं, पॉइंट लोड लगे हुए हैं यहां पे बच्चों, वापस से हमारा एंड, ये वापस से एक एंड है, और इनके बीच में हमारे पास केबल है, उसका शेप कुछ ये रहा। ऐसा कैसे बन गया सर? क्योंकि बच्चे इस पे हमने लगा दिया पॉइंट लोड, सर इसमें हमने लगा दिया पॉइंट लोड। ठीक है, यहां पर हिंज है, यहां पर हिंज है, और मान लीजिए ये P1 लोड है बच्चे और ये P2 लोड है। ठीक है सर, तो जब भी केबल के ऊपर, जैसे एक केबल का शेप ले लेते हैं, देखो यार ये केबल है, ये केबल है। अब इस केबल के ऊपर मैंने अगर यहां पे कहीं पॉइंट लोड लगा दिया, यहां पे कहीं पॉइंट लोड लगा दिया, मेरे पास कैप होती तो मैं लगा देता, चलो कोई बात नहीं। ये केबल के ऊपर मैंने पॉइंट लोड लगा दिया, तो इसने कैसा शेप ले लिया बच्चों? कैसा ले लिया भाई? कोई पॉलीगोनल शेप ले लिया। इसके सेगमेंट जो है वो स्ट्रेट है, कर्व्ड नहीं है, सेगमेंट कैसे? स्ट्रेट है। ठीक है सर, यहाँ पे सेगमेंट स्ट्रेट है, तो ये बात का ध्यान रखना, इसे बोलते हैं पॉलीगोनल शेप, फनिकुलर पॉलीगोनल, फनिकुलर पॉलीगोनल शेप, पॉलीगोनल शेप,
फनीकुलर पॉलीगोनल शेप ले लिया सर इसने। और ये बात का ध्यान रखना कि इसके सेगमेंट कैसे होते हैं सर, स्ट्रेट होते हैं। ठीक है सर जी, और कैसा शेप हो सकता है सर, और बताइए। देखो बच्चे एक और देखो, ये सारे शेप के नाम याद रखना, कई बार मैच द कॉलम में डायरेक्ट पूछता है, उड़ा देना, है ना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यूडीएल, यूडीएल लगा हुआ है। अब यूडीएल दो जगह लग सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो लगा था लेंथ ऑफ केबल पे, ये क्या है सर, ये लेंथ ऑफ केबल है, ये लेंथ ऑफ केबल है। और एक होता है बच्चों स्पान, स्पान क्या होता है, दो एंड के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होता है उसे बोलते हैं स्पान। ठीक है सर, इसका मतलब सर अगर मेरे पास ये सपोर्ट कंडीशन है, ये सपोर्ट कंडीशन है और मेरी केबल कुछ ऐसी बेंड करी हुई है, मगर जो मेरे पास लोड लग रहा है वो स्पान पे लग रहा है, ये है स्पान, यानी यूडीएल स्पान पे अप्लाइड है, तो जो केबल का शेप आएगा बच्चा वो होता है पैराबोलिक। कैसा आएगा सर, पैराबोलिक शेप आएगा। कैसा शेप होगा, पैराबोलिक, ध्यान रखना, यहीं पे बच्चा डाउट खाता है सबसे ज्यादा, यूडीएल लेंथ ऑफ केबल पे या यूडीएल स्पान पे, इन दोनों में डिफरेंस है बच्चों, एक बनता है कैटेनरी और दूसरा बनता है पैराबोलिक। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है बच्चों जो आपको पूछ लिया जाता है, है ना। और दूसरी बात, यहां से आपके कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं। अब चलते हैं आगे। हाय भगत, हाउ आर यू, कैसे हो बच्चे, आते जाओ सभी लोग, बहुत बढ़िया भाई, आते जाओ सिविल से ही सर जी, सब लपेट लो बच्चों, ज्ञान है जहां से मिले लपेट लो, ठीक है, ये मेरा उसूल रहता है। चलिए ये बात समझ में आ गई, मतलब सर ये समझ में आ गया। अब आते हैं एनालिसिस में और एक एक करके पकड़ते हैं इनकी एनालिसिस को। सबसे पहले मैं पॉइंट लोड पे चलूंगा, फिर यूडीएल की बातें करूंगा बच्चों, ठीक है। चलिए, हाँ ट्रायंगुलर हो जाएगा, अगर पॉइंट लोड है तो ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा, सिंगल पॉइंट लोड होगा तो ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा, है ना, उसे भी पॉलीगोनल में ही कंसिडर करोगे, है ना, उसे भी पॉलीगोनल में ही कंसिडर करोगे। चलो भाई आते हैं एक एक करके और मजे से समझते हैं चीजों को। देखो यार, सबसे पहले हम ले लेते हैं सर पॉइंट लोड की एनालिसिस। पॉइंट लोड लगे हुए हैं केबल पे और हमें कुछ एनालाइज करना है, क्या क्या एनालाइज करना है ना, और क्या क्या पूछ लेता है सब बता दूंगा, बस ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा, ध्यान सुनो। मान लीजिए बच्चों मेरे पास ये केबल है जो दोनों एंड से कैसी है भाई, हिंज है, दोनों एंड से कैसी है सर, हिंज्ड है, लाइक दिस वन, मान लेते हैं ये कुछ हमारे पास है और यहां पे लग रहा है बच्चों पॉइंट लोड, दिस वन इज पी वन एंड दिस वन इज पी टू, मान लेता है सर ये लग रहा है पी वन और ये लग रहा है पी टू। यहां पर स्पान हमें जो दिया गया है बच्चों वो दिया गया है एल, टोटल स्पान जो है हमारे पास लेट अस सपोज एल, मान लेते हैं, और यहां पे हमारे पास डिप दी हुई है, इसे डिप बोलते हैं। अब डिप क्या होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों, डिप क्या होती है वो भी समझ लीजिए। डिप का मतलब होता है बच्चों, जैसे ये हमारा केबल का सेगमेंट यहां से चेंज हो रहा है, अब अगर मान लीजिए मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने मार्क करी है बिटवीन द टू सपोर्ट, बिटवीन द टू सपोर्ट, अगर उस लाइन से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं केबल के ऊपर, ये केबल है राइट, तो उसे बोलते हैं डिप, ठीक है। यहां पर हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, यहां पे डिप हमारे पास दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर y1, ये y1 डिप दिया हुआ है, यहां पे जो डिप दिया हुआ है बच्चों लेट अस कंसीडर y2, ये डिप दिया हुआ है मेरे पास y2, ठीक है सर जी। और क्या दिया है सर हमारे पास, ये डिस्टेंसेस अवेलेबल है बच्चों, ये डिस्टेंसेस हमें नोन है, जैसे ये डिस्टेंस मेरे पास है a, ये है b और ये है c, ठीक है सर जी। वेरी गुड, वेरी गुड हर्षल, ठीक है, चलिए काम तो आना ही है, ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने, ध्यान सुनो, ये ए बी सी और ये पी वन और पी टू ये दिया हुआ है। अब क्या क्या क्वेश्चन अराइज होता है ध्यान सुनना, हम एक क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट करके समझेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं सर। ये आपसे अराइज कर सकता है कि मैक्सिमम टेंशन कहां पर होगा, क्या क्या क्वेश्चन अराइज कर सकता है सर, सर मैक्सिमम टेंशन कहां अराइज होगा, सर मिनिमम टेंशन कहां अराइज होगा और कितना होगा, इनकी वैल्यू और लोकेशन दोनों पूछ सकता है। तीसरा आपसे पूछ सकता है कोई भी एक डिप की वैल्यू बता दो, y1 बता दो, y2 बता दो, तो डिप पूछ सकता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का डिप कितना होगा। अच्छा सर, और क्या पूछ सकता है सर, लेंथ ऑफ केबल भी पूछता है, तो कई बार ये आपसे ये भी पूछ लेता है बच्चों कि लेंथ ऑफ केबल क्या होगी,
तो जनरली ये क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों आपके इन केबल के ऊपर, ठीक है। अब इसी को हम डिटेल में समझेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये चीज एनालाइज करनी है तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होता बच्चों कि आपने Y1 Y2 के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बना दिया, ABC के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बना दिया, नहीं। आपको अप्रोच करना है बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और उसे हम समझते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें पता होना चाहिए बस, ठीक है। क्या क्या होती है वो समझ लेते हैं जो हमारे एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये है हमारी प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या है सर? इसका सॉल्यूशन है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। पहली चीज स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बोलती है सर? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन तीन होती है, कौन कौन सी सर? समीशन FX0, समीशन FY0 एंड समीशन MZ0। सर ये मेरे पास तीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है जिनकी मदद से मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करूंगा। ये है सर VA, ये है सर HA, ये मेरे पास है बच्चा VD और ये है मेरे पास HD। तो मुझे ये रिएक्शंस पहले फाइंड करनी है, ठीक है सर, ये फाइंड कर लेंगे। दूसरा क्या फाइंड करना है सर? मुझे किसी सेगमेंट में टेंशन का पूछ लिया तो किसी सेगमेंट में टेंशन कितना होगा ये भी निकालने को पूछता है, इसे भी लिख देते हैं। सेगमेंट में टेंशन भी पूछ लेता है कितना आ रहा है किसी भी सेगमेंट के अंदर, ये भी हमें समझना है कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसे भी निकालने के लिए बच्चों कुछ नहीं है, आपको एंगल्स पता होना चाहिए। जैसे यहां पे एंगल, यहां पे रिजल्टेंट रिएक्शन आप निकाल सकते हो। इसके अंदर भी सेम चीज, एंगल या डायमेंशन ये सारे पता होना चाहिए। फिर से आप क्या निकाल सकते हो? टेंशन निकाल सकते हो, सेगमेंट में कितना होगा, है ना। ये चीज अगर पता होगी तो हम सॉल्व करेंगे। एक और बात, हम जानते हैं कि केबल के अंदर बच्चों फ्लेक्सचर कैपेसिटी नहीं होती, बेंडिंग मोमेंट लेने की कैपेसिटी नहीं होती। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट रूल हमेशा ध्यान रखना कि सर केबल के ऊपर बेंडिंग मोमेंट हमेशा जीरो होता है किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट ऑन केबल। ये ब्रह्मास्त्र है बच्चों, ये ब्रह्मास्त्र है। एट एनी पॉइंट ऑन केबल, केबल के किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट सर हमेशा जीरो होता है। बस अगर इतनी कहानी आ गई ना मजा आ जाएगा, पूरा समझ जाएंगे हम पॉइंट लोड में एनालाइज कैसे करते हैं। सर इनार्ज नॉर्मल थ्रस्ट रेडियल शियर फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आएगा, रहीना हो सकता है आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसे भी अगर समझना है मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं, हम प्रॉब्लम के साथ समझ लेंगे, ठीक है, मैं समझा दूंगा बच्चे, ठीक है रहीना, मैं ले लूंगा उस चीज को भी और समझ लेंगे उसको भी, ठीक है। चलिए तो ये है क्वेश्चन आपके सामने, और जरा इस क्वेश्चन से ही हम सारे कंसेप्ट क्लियर करके चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है सर जी, ये बोला गया है बच्चों अ केबल सपोर्ट टू कंसंट्रेटेड लोड्स एट ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी पर सपोर्ट है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द सैग एट बी, बी पर सैग निकालना है। इसका मतलब है सर हमसे ये पूछा गया है, ये सैग पूछा गया है, ये क्या मान लेता है बच्चों? वाई मान लेता है, ठीक है। द टेंशन इन केबल, द टेंशन इन द केबल एंड द लेंथ ऑफ केबल, ठीक है, आपसे केबल के अंदर टेंशन पूछ लिया गया है और पूछा गया है लेंथ ऑफ केबल कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन हमें यहां पे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहला काम हमें यहां पे रिएक्शंस ड्रॉ कर देना चाहिए, जैसे VA एंड HA। ये सर क्या हो गया हमारे पास? VA है और ये हमारे पास है HA। बहुत ध्यान सुनते आना बच्चों, बहुत ईजी कर दूंगा मैं एनालिसिस की, ठीक है। ये है आपके पास VD और ये है सर HD। यार एक बात तो कंफर्म है, अगर मैंने यहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया तो मैं मैक्सिमम तीन अननोन सॉल्व कर सकता हूं, मगर यहां पे अननोन कितने हैं? चार है। प्रॉब्लम आ गई ना, चार है, नहीं आएगी। देखो ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे यहां पे, देखना। सबसे पहले लगाएंगे बच्चों स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्या लगाते हैं सर? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब बच्चा लोग क्या गलती करते हैं, बड़े मजे से लिखते हैं समीशन FY = 0 सर, VA + VD = दिस। मेरे लाल रो मत लिखिए सब, अभी रुक जा, ऐसा काम कर और ऐसी इक्वेशन लगा जिसे देखो आंसर मिले। क्या मिले? आंसर मिले। रोना नहीं है, बार बार इक्वेशन में मजे नहीं लेना है, है ना। जितना कम नंबर ऑफ स्टेप लिखोगे उतना जल्दी आंसर लाओगे, और यही तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ध्यान से सुनो कैसे। सबसे पहले आप यहां पे लिखो बच्चों समीशन मोमेंट
ए पे लिख दो, डी पे लिख दो, कहीं भी लिख दो, ए पे या डी पे। तो मैं ए पे जीरो कर दू, ठीक है, ए पे जीरो कर दिया। क्या लिखोगे भाई? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। ठीक है सर, करते हैं, आंसर मिलेगा देखना। क्या लिख दो बच्चों? माइनस वी डी इंटू ये डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना? 3 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर, टोटल 13 मीटर। ठीक है, फिर यहां में बच्चों एच डी की बात करें, वो तो इसी से पास हो जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं देगा। 80, हाँ सर देगा, मगर क्लॉकवाइज में। तो मैं लिखूंगा बच्चा प्लस 80 इंटू हाउ मच? 8 मीटर एंड 2 मीटर, कितना हो गया सर जी? ये हो गया सर जी 10। ओके, प्लस फिर लिखोगे बच्चों 100 मल्टीप्लाई बाय कितना सर? 2, एंड इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से सॉल्व करो, वीडी की वैल्यू आ जाएगी फटाफट, मैं को भी कैलकुलेटर लेना ही पड़ेगा, है ना, ले लेते हैं कैलकुलेटर, 2 मिनट लगेगा बस बच्चों। हाँ सर जी, ये आ गया, वीडी इज इक्वल टू 76.92 किलो न्यूटन। सर ये आ गया, हाँ सर। अब कुछ नहीं करना बच्चे, अब लगा देना समीशन एफ वाई जीरो, उड़ गया। सर वीडी आ जाएगा क्या? हाँ बच्चे वीडी भी आ जाएगा, वीडी इज इक्वल टू, सॉरी वीए आ जाएगा, वीए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? वीए आ जाएगा, वीए प्लस वीडी इज इक्वल टू, क्या लिख दोगे सर? इसे लिख दूंगा 100 प्लस 80, वीडी की वैल्यू पुट करूंगा, वीए निकाल लूंगा सर, निकाल लू, 180 माइनस कर दो उड़ा के, कितना आ गया सर? 103 समथिंग समथिंग, ये आ गया 77 किलो न्यूटन। सर ये दो रिएक्शन आ गई, ठीक है। अब बच्चा मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विच इज एच डी एंड एच ए। प्रॉब्लम ये है कि मैं एच ए डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहां पर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू नहीं पता। हाँ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं एच ए को निकाल लूंगा, मगर कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी ना, क्यों मैं करूं? क्योंकि मुझे एच ए कंसिडर करना पड़ेगा, वी ए कंसिडर करना पड़ेगा, और 100 भी कंसिडर करना पड़ेगा। ज्यादा बेटर ये होगा बच्चों कि मैं सी पॉइंट पे मूवमेंट जीरो कर देता हूं, और वी डी मुझे पता है एच डी निकल जाएगा, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंसेस पहले से पता है। उड़ा दो बच्चों, जल्दी से उड़ा दो। देखो भाई क्या मैं लिख दूं यहां पे बच्चों, एम सी, और ये है ब्रह्मास्त्र, एम सी इज इक्वल टू जीरो, ये ब्रह्मास्त्र है भाई, आपने मूवमेंट केबल के ऊपर क्या करा है? जीरो करा हुआ है। ठीक है सर जी, तो लिख दूं मैं यहां पे सर वी डी इंटू कितना सर? 3 प्लस एच डी इंटू कितना बच्चे सर? 10 इज इक्वल टू हाउ मच सर? 0। तो पुट करते हैं यहां पे, हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों? एच डी सर, एच डी इज इक्वल टू 3 वी डी डिवाइडेड बाय हाउ मच? 10। सर कर दीजिए सॉल्व, 3 इंटू वी डी 76.92 डिवाइडेड बाय 10। सो गाइज वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 23.076 किलो न्यूटन। ये आ गया सर एच डी। अब एक बात बताओ, एच डी आ गया तो एच नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा? जब भी स्ट्रक्चर में इधर कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना, भगवान भी उतर जाए और ये बोले कि ये एच ए एच डी के बराबर नहीं होगा, तो मानना मत, ये हमेशा बराबर ही होगा, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं लगी है। तो यहाँ पे एच ए एच डी के बराबर ही होगा, है ना, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिंपल, छुप जाते हैं 2 मिनट के लिए और आपको लिख के दिखा देते हैं समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा बच्चे माइनस ऑफ एच ए एंड प्लस एच डी इज इक्वल टू 0, एंड फाइनली वी कैन से दैट एच ए इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज 23.076 किलो न्यूटन, विच इज सेम एज एच डी। ओके सर जी, ये भी समझ में आ गया, ठीक है, ये निकल गया। अब बच्चों एक बात बताओ, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे मैक्सिमम टेंशन निकालना है। बहुत ध्यान सुनना, आपको एक बार में चीज समझ में आएगी। मुझे यह पता करना है सर मैक्सिमम टेंशन कहां पे होगा, मैक्सिमम टेंशन पे कहां पे होगा, ठीक है। बच्चे एक बात बताओ, एच ए और एच डी ये सेम है, बस चेंज क्या है? वी ए और वी डी में डिफरेंस है। वी डी को देखोगे तो 76.92 और वी ए को देखोगे तो 103.07 है। तो एक बात बताओ, अगर मैं रिजल्टेंट ए पर निकालूंगा तो वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू रिजल्टेंट एट डी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जिसमें वर्टिकल रिएक्शन ज्यादा हो गई तो समझ जाओ वहां पर ही मेरे पास क्या हो गया, वहां पर मेरे पास मैक्सिमम टेंशन मिलने वाला है। इसका मतलब है टी मैक्स कहां पे मिलेगा सर? सर टी मैक्स यहां मिलेगा। अच्छा सर जी, यहां पे टी मैक्स मिलेगा, और इसको मैं लिख देता हूं बच्चे आर ए विच इज इक्वल टू टी मैक्स, ये मैक्सिमम टेंशन होगा सर जी। अच्छा कैलकुलेट कर ले, किसके बराबर होगा सर? सर ये बराबर होगा अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन ये है बच्चों, है ना, डायरेक्शन ये है, ठीक है सर जी, समझ में आ गया।
ठीक है, तो निकाल दे मैक्सिमम टेंशन, निकाल दीजिए सर मैक्सिमम टेंशन। टी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट सर? आर ए, एंड आर ए इज इक्वल टू हाउ मच सर? इट इज अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए बच्चों और आंसर बताइए कि आपके पास टी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई। ये देख लीजिए फटाफट और बताइए वैल्यू कितनी आ गई सभी लोग टी मैक्स की। वी ए की वैल्यू पता है 103.077 स्क्वायर, प्लस एच ए की वैल्यू पता है सर? एच ए की वैल्यू कितनी है सर? 23.076 स्क्वायर। फिर उसका ले लो भाई अंडर रूट, ठीक है सर। ये आ गया मेरे पास आंसर। वैसे मैं वैल्यू लिख देता हूं आप लोगों के लिए, तो यहां पे 103.077 स्क्वायर प्लस 23.076 स्क्वायर, और ये है बच्चों हमारे पास टी मैक्स की वैल्यू। जस्ट कैलकुलेट इट, यू विल गेट द आंसर व्हिच इज 105.62। ये वैल्यू आ रही है बच्चों टी मैक्स की, 8 किलो न्यूटन। दिस इज अवर टी मैक्स, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, टी मैक्स की वैल्यू आ गई सर, ठीक है। यानी मैक्सिमम टेंशन निकल गया। अब क्वेश्चन कहां पे आ गया दूसरा? मैक्सिमम टेंशन तो हमने निकाल लिया, ये मैंने एक्स्ट्रा एनालाइज कर दिया, इसमें नहीं पूछा था, इसमें इसने पूछा नहीं था, मगर हम तो भी एनालाइज कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं? ताकि कभी हमसे पूछ ले तो हम कैसे निकालें ये बताने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था सर? मुझे सैग बताना है बी पॉइंट पे कितना होगा, बी पॉइंट पे सैग कितना होगा, मतलब वाई की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा ही सिंपल है, आप जानते हो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी, जीरो। आप वीए की वैल्यू जानते हो, एचए की वैल्यू जानते हो, जस्ट मोमेंट एट बी जीरो कर दो, वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है सर जी। कर देते हैं फटाफट, बहुत बड़े बच्चों, बहुत ही शानदार। अगर आप लोग कर पा रहे हो, बस यही मेरी चाहत है कि आप लोग सॉल्व कर पाओ। तो देखो यार, मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है सैग एट बी, और इसे डिप भी बोलते हैं, सैग एट बी। बी पे सैग कितना होगा सर जी? तो सिंपल है, बस यहां पे करना होगा मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो करेंगे, और देखो बच्चों, वी ए इंटू टू मीटर विच इज क्लॉकवाइज, एंड एच ए इंटू वाई विच इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चा हम लिखेंगे वी ए इंटू टू मीटर माइनस एच ए इंटू वाई, एंड इट शुड बी इक्वल टू हाउ मच? जीरो। वी ए की वैल्यू पता है सर? 103.077 मल्टीप्लाई बाय टू माइनस एच ए। एच ए कितना सर? 23.076 इंटू वाई, एंड इज इक्वल टू जीरो। जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई ओवर हियर। वाई की वैल्यू फाइंड कर लो बच्चा, और बताओ कितना आया। अच्छा सर जी, y मिल गया 8.933 मीटर। y की वैल्यू भी कभी पूछ लेना, तो कैसे निकलेगा डेप, ये भी आपको समझ में आ गया बच्चों। कितना है सर? 8.933। वेरी गुड अनुषा, वेरी गुड, वेरी गुड। y की वैल्यू भी आ गई सर। अच्छा सर, अब सर इसमें एक लेंथ ऑफ केबल पूछ रहा है सर, वो भी पूछ रहा है लेंथ ऑफ केबल बता दो, और सर टेंशन बोल रहा है केबल में बता दो, तो सर कैसे निकालूंगा? बड़ा सिंपल है, बहुत ध्यान सुनना। कभी आपसे बोल दे इस सेगमेंट में टेंशन बता दो, इसमें बता दो, इसमें बता दो, कैसे निकालते हैं सेगमेंट में टेंशन, अब हम ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में लेंथ ऑफ केबल पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए बच्चों, जब हम टेंशन निकाल लेंगे ना बच्चों, हमें टी मिनिमम भी पता लग जाएगा कहां पर है, मतलब मिनिमम टेंशन कहां पर होगा ये भी हमें पता लग जाएगा। तो हमने पहली चीज क्या समझ ली सर? मैक्सिमम टेंशन कैसे, डिप कैसे निकलेगा, ये हमने समझ लिया है। अब अगर हम सेगमेंटल टेंशन निकाल ले तो हम टी मिनिमम की वैल्यू भी बता देंगे और लेंथ ऑफ केबल लास्ट में निकालेंगे, ठीक है सर। आ जाइए बच्चा और निकालते हैं टेंशन एक एक केबल के अंदर। अब देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है हमें, सबसे पहले जिस भी सेगमेंट के अंदर टेंशन निकालना है उस सेगमेंट पे हमें यहां पर एफबीडी ड्रॉ करना होता है। क्या ड्रॉ करना होता है? एफबीडी, ठीक है सर। एफबीडी ड्रॉ करते हैं बच्चों और देखिए क्या मिलता है। जैसे आपने देख लिया होगा यहां पर हिंज सपोर्ट है और यहां से इसके साथ एक केबल गया हुआ है कुछ ऐसा, जिस पर एक एक्सटर्नल लोडिंग लगी हुई है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है बच्चों, जिसकी वैल्यू कितनी है? 100 किलो न्यूटन, ठीक है सर। और सर जी ये दिया हुआ है ए, और सर जी एक और केबल का पोर्शन है जो इससे कनेक्टेड है, तो मैं उसको ऐसा कुछ बना देता हूं, है ना,
अभी देखो एक बार में चीजें क्लियर होंगी, है ना। मान लेते हैं बच्चों ये एंगल मेरे पास जो है वो है थीटा वन, मान लीजिए ये एंगल थीटा वन है। अगर ये एंगल थीटा वन होगा तो ये भी एंगल कितना होगा बच्चे, ये भी एंगल सर थीटा वन होगा, हाँ सर, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां पर सपोर्ट पे मेरे पास रिएक्शन है सर वीए, और मेरे पास सपोर्ट पर रिएक्शन है एचए। सर ये रिएक्शन है मेरे पास वीए और ये रिएक्शन है एचए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक रिजल्टेंट रिएक्शन निकाली थी जो कि ये डायरेक्शन में थी, ठीक है, ये डायरेक्शन में थी, जिसकी वैल्यू होगी कुछ आरए, और आरए की वैल्यू हमें पता है। तो बच्चों ये रिजल्टेंट रिएक्शन जो होती है ना, ये रिजल्टेंट रिएक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ केबल ही जाती है। इसका मतलब अगर ये थीटा वन है तो इसने भी यहां से थीटा वन ही डेवलप करा होगा, ये गारंटी है ना, हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पे हमें निकालना है टेंशन किसके अंदर सर, सेगमेंट ए बी के अंदर, ये सेगमेंट बी दिया हुआ है, ए बी के अंदर हमें टेंशन निकालना। कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं बच्चों, इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस जॉइंट को यहां से ब्रेक करूं और इसको यहां से ब्रेक करूं, मान लेता हूं कि ये जो केबल है इस केबल के अंदर टेंशन आ रहा होगा कितना सर, सर टी ए बी, अच्छा, और यहां पर भी मान लेता हूं टी ए बी आ रहा होगा, क्योंकि बच्चों एक बात बताओ ये केबल यहां से लेके यहां तक सिंगल है ना, तो पूरी केबल में एक ही तो टेंशन लगेगा जिसको हमने टी ए बी बोल दिया, ठीक है बच्चे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस जॉइंट को सॉल्व करोगे तो आप क्या टी ए बी निकाल लोगे, हाँ सर, या तो आप डायरेक्ट बोल दो कि सर आर ए के बराबर टी ए बी होगा, या फिर आप ये भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर पोर्शन में, अभी इसका यूज आएगा हम देखेंगे कहां पे। इसमें अगर डायरेक्टली बोलना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि टी ए बी इज इक्वल टू कुछ नहीं है सर, ये आर ए के बराबर है, और आर ए की वैल्यू कितनी हो गई सर, आर ए की वैल्यू टी मैक्स के बराबर 105.628 किलो न्यूटन। अच्छा सर मैं ऐसे नहीं करना चाहता सर, कुछ और तरीका बताओ। तो बच्चे मैं बोलता हूं सबमिशन एफ एक्स जीरो कर दो, ठीक है, सबमिशन एफ एक्स जीरो कर दो, तो मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस ऑफ एच ए प्लस टी ए कॉस थीटा वन इज इक्वल टू जीरो, हाँ सर ये हो सकता है। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं बच्चों, ये हो जाएगा टी ए बी इज इक्वल टू एच ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा वन, और सर एच ए की वैल्यू कितनी है ये हम देख चुके हैं, एच ए की वैल्यू ये रही बच्चों 23.076 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा वन। सर थीटा वन कहां पता हमें, थीटा वन तो निकालना पड़ेगा ना सर, हाँ बच्चे निकालना पड़ेगा, ज्योमेट्री पे आते हैं, ये है मेरे पास थीटा वन। अच्छा वाई की वैल्यू आ गई क्या, हाँ बच्चे वाई की वैल्यू तो आ गई थी सर, वाई की वैल्यू थी 8.933, ठीक है सर, और सर ये थीटा वन है तो ये वाई है और ये मेरे पास एक्स, निकाल ले बच्चों थीटा वन। क्या लिख दूं मैं यहां पे, इसको मैं सेपरेटली ऐसे लिख देता हूं बच्चों, क्या मैं ऐसा लिख दूं, ये हो जाएगा टेन थीटा वन इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय एक्स विच इज 8.933 डिवाइडेड बाय टू, बस इसको सॉल्व करो और थीटा वन निकाल लो फटाफट से, 8.933 डिवाइडेड बाय टू और टेन इनवर्स ले लो बच्चा, टेन इनवर्स आंस सर ये आ गया 77.38 डिग्री, ठीक है सर जी, मतलब ये एंगल आ गया, बस हो गया सॉल्व। अब देखो यार इसको डिवाइड करते हैं कॉस 77.38 डिग्री से, जरा बताना बच्चों टी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से उड़ा दो, जल्दी उड़ाओ बच्चों और बताओ कि टी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है, अरे सर ये तो सेम वैल्यू है, सर ये तो सेम वैल्यू आ रही है 105.62 समथिंग समथिंग किलो न्यूटन, सर ये तो सेम वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आप चाहे सबमिशन एफ एक्स जीरो करो, चाहे सबमिशन एफ वाई जीरो करो, या फिर डायरेक्टली आर ए को टी ए बी के बराबर बोल दो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके बाद में एक रिजल्ट बताऊंगा बच्चों, आप ये जो स्टेप वाइज कर रहे हो ना, करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएंगे, डायरेक्ट उड़ाएंगे एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी ना सर, अगर मुझे चुन्नू जैसा क्वेश्चन पूछ लिया, सर बोल रहे हैं बीच वाले सेगमेंट में बताओ, अब मैं क्या ससुर यहां से सॉल्व करते हुए आऊंगा यहां तक, नहीं नहीं मेरे लाल, अभी मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा डायरेक्ट उड़ा देंगे, कैसे उड़ाएंगे डायरेक्ट, बस ध्यान से सुनना,
बन जाएगा, बस ध्यान सुनना। अभी बस देखते चलो, मजा लेते चलो, कंसेप्ट बनाएंगे और बनाने के बाद इंप्लीमेंट भी करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में। देखो यार, ये सेगमेंट में टेंशन कितना होगा सर? ये सेगमेंट में टेंशन होगा मेरे पास टीबीसी। ठीक है सर जी, तो मैं लिख दूं सर यहाँ पे टीबीसी होना चाहिए। हाँ सर। अच्छा सर, यहाँ पे थीटा अलग होगा क्या? हाँ बच्चे, यहाँ पे थीटा अलग हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे थीटा टू। दिस वन इज थीटा टू। थीटा टू की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखो भाई, ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये डिस्टेंस है 10 मीटर और ये डिस्टेंस है 8.93 मीटर। तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिफरेंस ले लीजिए, ये डिस्टेंस कितना होगा बताएंगे? 10 माइनस 8.933, सो वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 1.067 मीटर। ठीक है सर, और ये है मेरे पास थीटा टू। वापस से टेन इनवर्स और थीटा टू निकाल लीजिए और जल्दी से बताइए कितनी वैल्यू। ये आ रहा है बच्चों इस बार एंगल 7.5969, जिसको हम 7 ही लिख देते हैं डिग्री। सर ये वैल्यू आ गई मेरे पास थीटा टू की। सर जी ठीक है, थीटा टू भी आ गया, थीटा वन आ गया, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। अब देखो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। वापिस से वही लिखते हैं, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? जीरो। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों माइनस टी ए बी कॉस थीटा वन प्लस टी बी सी कॉस थीटा टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, तो यहां पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं हमें टी बी सी कितना मिलेगा। तो मैं लिखूंगा बच्चे टी बी सी इज इक्वल टू टी ए बी कॉस थीटा वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टू। अभी एक जादू बताऊंगा बच्चों, रूल डायरेक्ट लड़ाई के लिए। टी ए बी कितना सर? 105.62। कॉस थीटा वन सर, कॉस थीटा वन 77.38 डिग्री था। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टू। कॉस थीटा टू, थीटा टू की वैल्यू कितनी है सर जी? हमने अभी निकाली है बच्चा, ये रही 7.597 डिग्री। जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी बी सी। करते हैं फटाफट, 105.62 कॉस 77.38 ये वैल्यू है, डिवाइडेड बाय कॉस 7.597। तो बच्चा हम लोग जो वैल्यू पा रहे हैं वो है 23.280 किलो न्यूटन। ये टेंशन आ गया किसके अंदर? बीसी सेगमेंट में। अच्छा सर, अब देखो यार, बीसी सेगमेंट निकालने के लिए हमें एबी भी निकालना पड़ा था इस केस में, मगर बच्चों हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम एक कंसेप्ट समझ लें। तो देखते हैं और बताते हैं। देखिए बच्चों एक बात बताओ, यहां पे अगर आप देखोगे तो एच ए को आप क्या बोल सकते हो? टी ए बी कॉस थीटा वन के बराबर। बहुत ध्यान सुनना, समझ में आ जाएगा। एच ए को किसके बराबर? टी ए बी कॉस थीटा वन के बराबर। और टी ए बी कॉस थीटा वन किसके बराबर? टी बी सी कॉस थीटा टू। अच्छा सर, तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख दूं? सर एच ए की वैल्यू जो है वो टी ए बी कॉस थीटा वन के बराबर, और इसको मैं लिख दूं टी बी सी कॉस थीटा टू के बराबर। हाँ सर, और ये भी लिख दूं क्या सर? ये देखो, ये भी लिख दूं क्या सर? ये वाला, हाँ लिख दो, ये है थीटा थ्री, तो टी सी डी कॉस थीटा थ्री लिख दूं। हाँ सर लिख दो, सो टी सी डी कॉस थीटा थ्री, ये हो गया गोल्डन रूल। बस ये गोल्डन रूल लगा लो और आंसर जल्दी से पा लो, सिंपल सी बात। अब गोल्डन रूल क्या बोल रहा है भाई? इतना सब मत करो यार, है ना? वो सिर्फ क्या बोलता है, अगर आपको एच ए पता है, चलो एच ए नहीं पता, एच डी पता है, कुछ तो पता होगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। अगर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ गई और अगर आपको थीटा निकालना आता है तो आप किसी में भी टेंशन निकाल लोगे डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। अब देखो रूल लगा के देखे, रूल लगा के देखे। वैसे आप लोगों को ये तो पता है कि टी सी डी के अंदर टेंशन किसके बराबर होगा? टी सी डी के अंदर टेंशन किसके बराबर होगा सर? रिजल्टेंट रिएक्शन एट डी विच इज आर डी, इसके बराबर होगा सर? अरे इसके बराबर होगा सर, और इसे मैं बोल देता हूं बच्चों थीटा। ठीक है, इसमें भी कोई ना कोई थीटा होगा, इसको थीटा थ्री ही बोल देते हैं, वैसे थीटा थ्री होगा, ये भी थीटा थ्री होगा। ठीक है, आर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? टी सी डी होगा। ठीक है सर जी,
चलो देख लेते हैं, थीटा थ्री की पहले वैल्यू देख लो यार कितनी आने वाली है। ये 10 मीटर है, ये 3 मीटर है, निकाल लें क्या भाई? ये 10 मीटर है, दिस वन इज 10 मीटर, दिस वन इज 3 मीटर। सो जस्ट कैलकुलेट 10 थीटा 3 विच इज इक्वल टू 10/3। सिंपल, जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा 3, कितना आ गया बच्चा बता देंगे। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 73.30 डिग्री। ठीक है सर, ये आ गया हमारे पास। अब पुट कर दें, देखो यार एच ए की वैल्यू पता है, एच ए की वैल्यू कितनी है? एच ए की वैल्यू सर मेरे पास है 23 पॉइंट, ये आपको दिखा देते हैं, 23.076 ये वैल्यू है, 23.076। सो 23.076 इज इक्वल टू टीसीडी कॉस थीटा 3, थीटा 3 की वैल्यू है 73.3। सो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टीसीडी डायरेक्टली विदाउट राइटिंग एनी अदर थिंग्स, कुछ और लिखने के बजाय बस डायरेक्ट सॉल्व कर दो बच्चों। ये आगे बच्चों 80.30 किलो न्यूटन, 80.30 किलो न्यूटन विच इज टीसीडी। सर टीसीडी आ गया मेरे पास, टीसीडी आ गया, इसका मतलब है सर अगर मैं आरडी निकालू तो आरडी की वैल्यू भी सेम होना चाहिए, यानी ये वैल्यू इसके बराबर ही होना चाहिए, ये हमें चेक कर लेना चाहिए। चलो भाई ऐसे भी कर लेते हैं, तो क्या बोल सकता हूं आरडी इज इक्वल टू किसके बराबर? टीसीडी के बराबर, और इसको लेना चाहिए सर अंडर रूट ऑफ वीडी स्क्वायर प्लस एचडी स्क्वायर। अच्छा सर जी तो सॉल्व करें। हाँ सर, वीडी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 76.92। एचडी की वैल्यू कितनी है? एचडी की वैल्यू है 23.076, 76.92 स्क्वायर प्लस 23.076 स्क्वायर। देख लो बच्चों आ रहा है क्या ये आरडी किसके बराबर, टीसीडी के बराबर, यस और नो बस चेक कर लें। हाँ यार ये तो उसी के बराबर आ रहा है सर, 80.30 किलो न्यूटन। अच्छा सर तो अब मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं और ऐसे भी कर सकता हूं, मुझे दोनों तरीके पता लग गए बच्चे। ठीक है, मुझे दोनों तरीके पता लग गए हैं, मैं HA ऐसे भी निकाल सकता हूं, किसी भी सेगमेंट में टेंशन निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं और जो प्रीवियस कैलकुलेशन करी है वैसे भी निकाल सकता है। समझ में आ गया सभी को? सभी को क्लियर है? जल्दी से लिखेंगे भाई, क्लियर सर। फिर मैं जरा टी मिनिमम की बात कर लूंगा, है ना, फिर टी मिनिमम की बात कर लेंगे हम आपसे कि टी मिनिमम कहां पर और कितना होगा। टी मैक्स तो समझ में आ गया सर, टी मिनिमम बता दीजिएगा कहां पे होने वाला है। क्लियर सर। अच्छा सर जी ठीक है, सर वो कुछ जादू बता दो सर ताकि मेरा प्रॉब्लम है ना जल्दी सॉल्व हो जाए। क्या बता दो सर? जादू बता दो सर कि मुझे सिर्फ देखते से पता लग जाए कि सर मिनिमम टेंशन कहां होगा और मैक्सिमम टेंशन कहां होगा। अब सुनो जादू। देखो यार एक बात क्लियर है, जादू इधर छोटी सी जगह पर बताऊंगा ताकि सिर्फ आप लोगों को पता रहे। देखो इधर जादू बता रहा हूं, ध्यान सुनो बच्चों। यार एक बात क्लियर है, किसी भी सेगमेंट में अगर टेंशन निकालना होता है तो मैं ये लिख सकता हूं जनरल एच इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, और थीटा कैसे लेते हैं ये आपको पता है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं टी इज इक्वल टू एच बाय कॉस थीटा। हाँ सर, टी बाय कॉस थीटा, एच बाय कॉस थीटा। तो एक बात बताओ यार, अगर मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तो मेरे पास टी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होती है? जब cos थीटा ग्रेटर होता है, मतलब थीटा की वैल्यू ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ध्यान से सुनना, मेरे लाल बाल खड़े हो जाएंगे। अगर थीटा की वैल्यू ज्यादा तो cos थीटा कम, और जब cos थीटा कम
तो टी की वैल्यू मैक्सिमम। अच्छा सर, इसका अपोजिट करें। सर थीटा की वैल्यू जब कम तो कॉस थीटा ज्यादा, और कॉस थीटा ज्यादा तो टी मिनिमम। अरे सर क्या बता दिया सर, मजा आ गया सर, अब लगा दे क्या, उड़ा दे क्या, अरे उड़ा दो। देखो यार, आओ आओ इधर आओ और देखो, थीटा वन की वैल्यू है 77.38, थीटा टू की वैल्यू है 7.597, थीटा थ्री की वैल्यू है 73.30। सबसे ज्यादा थीटा यहां है, और जब सबसे ज्यादा थीटा यहां है, यहां है, यहां है, इसका मतलब है एबी, एबी में सबसे ज्यादा थीटा मिल रहा है, एबी 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 यानी सबसे ज्यादा थीटा। जब सबसे ज्यादा थीटा तो कॉस थीटा कम, और कॉस थीटा कम तो टी मैक्सिमम, और मैक्सिमम 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 आर ए तो मैक्सिमम है और टी ए बी उसी के बराबर तो होता है बच्चों, तो यहां मिलेगा मैक्सिमम टेंशन। अब तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, कोई मेरे से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये बता दो कि मैक्सिमम टेंशन कहां होगा, बस मुझे थीटा पता होना चाहिए, मैं तो ऐसे उड़ा दूंगा प्रॉब्लम को। अच्छा सर, दूसरा अगर मुझसे बोला जाए कि टी मिनिमम की वैल्यू बता दो सर, मिनिमम कहां होगा, तो मैंने आपको बताया था कि थीटा की वैल्यू जहां पर लेसर होगी वहां पे कॉस थीटा ग्रेटर होगा, और कॉस थीटा ग्रेटर होगा मेरे लाल तो टी मिनिमम होगा, और बीसी सेगमेंट में देख भी लो वैल्यू सबसे कम है 23.28 है यार, 23.28 है, सीडी में 80.30 है ना, और एबी में तो आपको पता है मैक्सिमम है, तो मेरे लाल यही तो मिनिमम हुआ। बोलो उड़ गया, जल्दी बोलो उड़ गया भाई, उड़ गया, बोलो यस और नो, कंसेप्ट क्लियर? जल्दी लिखेंगे भाई, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो भाई, तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो ही काम बनेगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ मेरे साथ एप्लीकेबल है, मैकेनिक्स पढ़ाता हूं, स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं, तो ये तो एप्लीकेबल है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक बच्चा, ठीक, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखो यार, अब इधर की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। कहानी में क्या डिफरेंस है, कहानी में ये डिफरेंस है बच्चों, अब हमारे पास लगा है यूडीएल, क्या लगा हुआ है सर, यूडीएल, और यूडीएल जब लगता है पूरे स्पान पे तो शेप कैसा बनता है बच्चे, पैराबोलिक, कैसा बनता है, पैराबोलिक। मैक्सिमम डेप्थ सेंट्रल में दिया हुआ है 4 मीटर, और ये 20 मीटर का स्पान है, ठीक है। आपसे क्या पूछ लिया गया, आपसे ये पूछ लिया गया डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट द सपोर्ट, मिनिमम टेंशन एंड मैक्सिमम टेंशन इन द केबल, कैसे निकालेंगे सर, और अगर किसी लोकेशन पे पूछ लिया जाए टेंशन तो कैसे निकालेंगे, ये भी समझ लेता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम सर एक्सटर्नल रिएक्शन निकालना, मतलब यहां पर हमें वी ए निकालना है, एच ए निकालना है, वी बी निकालना है, और एच बी निकालना है, ठीक है। तो बच्चा यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा वी ए, दिस वन इज एच ए, दिस वन इज वी बी, एंड दिस वन इज एच बी, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। बच्चों जब ऑब्जेक्टिव में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, तो आप डायरेक्ट कर लोगे ये, अभी जब आप पहली बार पढ़ रहे हो या कोई बच्चा रिवाइज कर रहा है, हो सकता है आप में से कुछ रिवाइज कर रहे हो, कुछ बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हो, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा डेरिवेशन और थोड़ा सा कंसेप्ट पे जा रहा हूं, है ना, मुझे उनका भी ख्याल है, मगर जिन बच्चों को अगर फॉर्मूले डायरेक्ट पता है ना कुछ चीजों के, तो वो डायरेक्ट लगाए बच्चों, कैलकुलेशन पे ना जाए, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा, मगर जब आप एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को अप्लाई करेंगे बच्चों, तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना, थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद रखते हुए सॉल्व करने की कोशिश करना, टाइम काफी बचेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए सर जी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगा दें, तो क्या मैं लिख दूं बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास समीशन मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट लिख रहा हूं, और मैं अभी एक जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं, फिर जनरल के बाद वैल्यूज को पुट कर दूंगा। जनरल फॉर्मूला का मतलब ये हो गया W, ये हो गया मेरे पास H, और ये हो गया मेरे पास स्पान, दैट इज L, ठीक सर, जनरल बना रहा हूं, ध्यान सुनना, समीशन मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो, क्या हम लिख दें, वी ए इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू एल इंटू एल बाय टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से बच्चों हमें मिल गया VA, VA की वैल्यू आ गई सर WL by 2। अगर VA WL by 2 है सर,
तो वी बी भी डब्ल्यू एल बाई टू ही होगा, समीशन एफ आई लिखोगे ना तो वहां से निकल जाएगा, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू होगा। ठीक है सर, अब क्या सॉल्व करना है? सर मुझे ये निकालना है कि एच ए कितना या एच बी कितना, कैसे निकलेगा? तो बच्चों उसके लिए एकदम सिंपल सा काम है, आपको जहां पे डिप पता है, जैसे मुझे सेंटर पे डिप पता है, तो सेंटर पे डिप पता है तो मैं यहां पे बेंडिंग पॉइंट को जीरो बोल देता हूं। ठीक है, बेंडिंग पॉइंट को जीरो बोल देता हूं, ये हो गया ब्रह्मास्त्र जो हमें काम देगा एच ए और एच बी निकालने के लिए। क्या लिख देंगे भाई? किसी भी एंड से, या तो लेफ्ट पोर्शन से या राइट पोर्शन से, किसी से भी लिख सकते हो, मैं लेफ्ट पोर्शन से लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए तो हम क्या लिखेंगे भाई, प्लस वी ए इंटू एल बाई टू माइनस एच ए इंटू एच माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर इट इज इक्वल टू जीरो। ये लिया हमने भाई इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट, वी ए इंटू एल बाई टू जो कि क्लॉकवाइज है, एच ए इंटू एच जो एंटी क्लॉकवाइज है इसके अबाउट, और ये लगा था यूडीएल बच्चों, इसकी लेंथ हमें कंसिडर करना पड़ेगी एल बाई टू, तो डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर काम हो गया। ठीक है, वीए की वैल्यू पता है कितनी है, डब्ल्यू एल बाई टू मल्टीप्लाई बाय एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट इज इक्वल टू एच ए इंटू एच। डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं बच्चे एग्जाम में, एच ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट एच, ये एच ए आ गया। और मैंने आपको बोला था हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं लगी होगी, तो क्या कर देना, एच बी भी सेम ही होगा, एच बी भी सेम होगा। अच्छा यार, अभी एक थोड़ी देर पहले मैंने एंगल के रिस्पेक्ट में बात करी थी, याद है ना? अभी क्या बात करी थी, एंगल के रिस्पेक्ट बात करी थी, तो अब मुझे जरा देख के बता दो, मुझे जरा देख के बता दो मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगा और मिनिमम कहाँ पे होगा। सभी लोग सोच के, मैंने अभी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करी थी ना, बस उसी कंसेप्ट को लगा दो और बता दो कहां पे मैक्सिमम कहां पे मिनिमम, जल्दी से। मैं जब तक के एच भी लिख देता हूं, कोई भी स्टूडेंट जो बता सके भाई, भाई मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल, जैसे ये केबल है, केबल के ऊपर टेंजेंट में डालता हूं यहां पे, ठीक है, ये एंगल बन गया थीटा, और यहां पे अगर मैं थीटा डाल, यानी केबल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालूं बच्चों, तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब एक बात बताओ, बहुत ध्यान सुनना, अभी मैंने बोला था कि थीटा यहां पे क्या है सर, मैक्स है, और यहां पे थीटा क्या है सर, मिनिमम है। सिमिलरली यहां पे भी अगर आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो एक बात बताओ बच्चों, मैक्सिमम एट ए एंड बी एंड मिनिमम एट सी, बहुत ही शानदार बच्चों, एक बार का कंसेप्ट था, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया और लगा दिया यहां पे भी। सर जी एकदम सही बात है, आपके पास थीटा के वैल्यू जहां ज्यादा होती है वहां पे टी मैक्सिमम होता है, इसका मतलब यहां पर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है तो कॉस थीटा कम होगा, कॉस थीटा कम होगा तो टी मैक्सिमम होगा, और यहां थीटा की वैल्यू कम है तो कॉस थीटा ज्यादा होगा, और कॉस थीटा ज्यादा होगा तो टी मिनिमम होगा। बहुत ही शानदार सर, उड़ गया, कुछ भी नहीं है सर, अब तो बच्चा बच्चा उड़ा सकता है इसको। ठीक है, तो मैक्सिमम टेंशन यहां पे, तो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू कितनी सर, सर ये तो आर ए के बराबर होगा, और आर ए क्या है, रिजल्टेंट रिएक्शन एट ए, निकाल देते हैं, रिजल्टेंट रिएक्शन एट ए निकाल देते हैं बच्चों। तो आर ए इज इक्वल टू हाउ मच सर, आर ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे बच्चों वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर। अभी ध्यान सुनना बच्चों, इसको हम टी मैक्स भी बोल सकते हैं, टी मैक्स भी बोल सकते हैं, और टी मैक्स की वैल्यू वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर, और वी ए की वैल्यू सर डब्ल्यू एल बाई टू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट एच का होल स्क्वायर। अच्छा सर, यहां से क्या कॉमन निकाल लूं सर, मैं यहां से कॉमन निकाल लेता हूं डब्ल्यू एल बाय टू, फिर लिखूंगा मैं अंडर रूट, अंडर रूट ये वैल्यू हो जाएगी सर वन, है ना। इसको थोड़ा सा मैं एक्सपांड करके फिर बता देता हूं वापस से बच्चों, यहां पे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू स्क्वायर एल टू द पावर फोर 64 एच टू द पावर टू। अब यहां से हमने डब्ल्यू एल बाय टू कॉमन निकाला है, तो एक डब्ल्यू गायब, एक डब्ल्यू गायब हो जाएगा, कि दोनों गायब हो जाएंगे भाई, दोनों ही गायब हो जाएंगे, इन्हें हटा दो, एल स्क्वायर गायब हो जाएगा, है ना, फिर एच जाएगा क्या, नहीं, इसको हम क्या लिख सकते थे बच्चों, इसको हम लिख सकते थे फोर इंटू टू, तो यहां से टू निकलेगा क्योंकि इनका भी स्क्वायर है ना, इनका भी स्क्वायर है ना, एट स्क्वायर है ना, तो टू निकल गया, तो डब्ल्यू एल बाय टू कॉमन है, और यहां बचेगा सर हमारे पास
4 स्क्वायर इट मींस 16 एच स्क्वायर, ठीक है सर। अब कर लीजिए सॉल्व, यहां से टी मैक्स की वैल्यू आ गई, टी मैक्स की वैल्यू बताइए कितनी हो गई। डब्ल्यू की वैल्यू है 240 बच्चा, 240 मल्टीप्लाई बाय एल, एल की वैल्यू है बच्चों 20 मीटर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एल एल एल, एक मिनट बच्चा, ये एल स्क्वायर होगा यार, है ना, एल स्क्वायर यहां पे हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर, 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना सर, 16 एच स्क्वायर का मतलब हो गया सर, एच की वैल्यू हमारे पास दी है 4 मीटर, सो 4 स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करिए और बताइए कितना आ गया। क्या हम लोगों की टी मैक्स की वैल्यू ये आ रही है बच्चों 3841.87 किलो न्यूटन, जरा चेक करेंगे और बताएंगे क्या यूएलडी है सर, बोथ एंड मैक्सिमम, यस डेफिनेटली, क्या ये बताएंगे बच्चों आपकी टी मैक्स की वैल्यू ये आ रही है 3841.87 सभी की, और फिर मैं टी मिनिमम के लिए शेप बनाता हूं जल्दी से। कैलकुलेट करें और जल्दी बताएं। वेरी गुड, जयेश की वैल्यू आ गई, शकीना की वैल्यू आ गई है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। टी मिनिमम हमें निकालना है बच्चों, टी मिनिमम कहां पे होगा सर, मैंने अभी आपको बताया टी मिनिमम कैसे पता करना, ये रहा आपका शेप और यहां पे लगा है बच्चों यूडीएन, अच्छा सर जी, और ये है हमारे पास वी ए बच्चों, दिस वन इज एच ए, यहां पे आपके पास टी मिनिमम की वैल्यू होगी जहां पर मैक्सिमम डिप है, क्योंकि जहां पर मैक्सिमम डिप है बच्चों वहां पर आपके पास केबल स्ट्रेट है, यानी हॉरिजॉन्टल से एंगल 0 डिग्री बना रही है, और ये है हमारा फायदा है, ठीक है, ये है सर टी मिनिमम। अच्छा सर, अब कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां पे सबमिशन एफ एक्स जीरो कर दो, सबमिशन एफ एक्स जीरो इट मींस माइनस ऑफ एच ए एंड प्लस टी मिनिमम, राइट, एंड इज इक्वल टू जीरो। तो टी मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है सर, टी मिनिमम की वैल्यू होती है एच ए के बराबर, और एच ए कितना होता है सर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 एच। जस्ट कैलकुलेट इट एंड टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी मिनिमम। आ गया सर जी 3000 किलो न्यूटन। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू है बच्चे 240, एल की वैल्यू है 20, एच की वैल्यू है 4, पुट करेंगे 3000 हमारे पास आ जाएगा भाई, 3000 किलो न्यूटन टी मिनिमम है। अब कई बार वो ये पूछ लेता है टी मैक्स बाय टी मिनिमम का रेशियो बता दो, तो आप वो रेशियो निकाल लोगे, बड़ा ही आसान है ना, टी मैक्स बाय टी मिनिमम का रेशियो निकाल लो, ये दोनों का रेशियो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज पूछ लेता है बच्चों कि सेगमेंट, अच्छा एक और चीज पूछता है बच्चों कि आपके पास जो सेगमेंट है, बहुत ध्यान सुनना, सेगमेंट है, सेगमेंट में टेंशन कितना, तो कैसे निकालेंगे सर, वो भी समझ लीजिए पैराबोलिक में, फिर मैं एक पॉइंट पे वापस आऊंगा बच्चों, क्योंकि एक पॉइंट हम करते करते यार भूल गए थे, मैं एक बार बता दूंगा वो क्या है, है ना। देखो यार, ये मेरे पास कोई सेगमेंट है और यहां पे लगा है यूडीएल, ये लगा है बच्चों VA, ये है मेरे पास HA, और मान लेते हैं मुझे कोई यहां पे डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस X है जिस पे मुझे T की वैल्यू निकालने को बोला है, तो टेंशन ड्रॉ कर दिया, और इसका एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना है सर, थीटा है, और यहां पर डिप जो है मेरे पास कितनी है बच्चे, Y है, है ना, Y है। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं बच्चों, वापस से समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और मैं बोलूंगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ एच ए प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी एच ए बाय कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम कहां है ना, ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम ये है बच्चों की कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता, कैसे पता करेंगे सर, मैंने आपको बताया था कि जब भी यूडीएल लगेगा स्पान पे तो शेप कैसा बनता है, पैराबोलिक, और जब शेप पैराबोलिक बनता है बच्चों तो इसका मतलब है
इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज टू बी वैलिड। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है सर? इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये क्या है सर? इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होगी बच्चों वो होती है y इज इक्वल टू 4hx डिवाइडेड बाय l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय l माइनस x। ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अब अगर मान लीजिए आपको x डिस्टेंस पे ये थीटा की वैल्यू पता करना है कितनी होगी, तो आप कुछ नहीं करेंगे बच्चों, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए dy बाय dx। dy बाय dx डेरिवेटिव हो गया, और डेरिवेटिव क्या हो गया भाई? 4h बाय l स्क्वायर इंटू एल माइनस टू एक्स, और ये है डेरिवेटिव किसके बराबर? टेन थीटा के बराबर। अब आपको जहां पर भी बोले कि x इज इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 3 मीटर, यहां पे रखिएगा x इक्वल टू 2 मीटर 3 मीटर जो भी है, और यहां से निकालिएगा थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पुट करिएगा, t की वैल्यू आ जाएगी सेगमेंट के अंदर टेंशन कितना होगा। समझ में आ गया? मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, आपने एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि सर टेंशन कैसे निकलता है। मजा आ गया सर, ठीक है। चलो एक बार थोड़ा पीछे आते हैं वापस से, क्योंकि एक पॉइंट मुझे आपको और बताना है ना यार। इसमें एक पॉइंट था लेंथ ऑफ केबल का, वो हम करते करते छोड़ गए थे, उसको वापस से कवर कर लेते हैं। यार लेंथ ऑफ केबल निकालना बड़ा ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहां पे अगर आप देखो ये सेगमेंट है, ये वाई है, और ये क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूस। ये आप निकाल लोगे भाई, सिंपल सी बात है। ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये निकाल लोगे? हाँ सर। ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, ये निकाल लोगे? हाँ सर। तीनों सेगमेंट का पाइथागोरस थ्योरम से लेंथ निकाल लीजिए, आपके पास टोटल लेंथ ऑफ केबल आ जाएगी। सिंपल सी बात, समझ में आ गया? अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो बच्चों, और यहां पे हर एक सेगमेंट की लेंथ निकालते हो और उनको ऐड कर दोगे, तो आपके पास लेंथ ऑफ केबल आ जाएगी। सिंपल है, तो कुछ नहीं करना है। अगर लेंथ ऑफ केबल निकालनी है, थोड़ा सा हाइड होता हूं बच्चों मैं, है ना, यहां पे दिखा देते हैं आपको लेंथ ऑफ केबल। बड़ा ही आसान है सर, कुछ नहीं करना, पाइथागोरस लगानी है। तो जैसे हमारे पास यहां पे ऐड करेंगे बच्चों लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी, और इंडिविजुअल लेंथ आपको निकालना आसान होती है, क्योंकि इंडिविजुअल लेंथ आप निकाल सकते हो बच्चों। वाई पता है, एक्स पता है, वाई पता है, एक्स पता है, y पता है, x पता है, कर लोगे ये चीज? यस और नो, टेल मी गाइस, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या ये कर सकते हैं आप लोग। तो मैं इसे स्किप करूंगा, मतलब आप कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस लगाना है। बताएं बच्चों, यस और नो, आई थिंक मेरे पास कमेंट लेट पहुंचते हैं क्या? अंडरस्टूड सर, सिंपल ना, वेरी सिंपल यार, उसमें कुछ भी नहीं है। यस सर, ठीक है। रहीना, शकीना, वेरी गुड, आप लोगों को क्लियर है? बाकी बच्चों को? यार भाई लिखो लिखो, कमेंट लिखो, कमेंट लिखो। अमन क्लियर, बहुत बढ़िया भाई। रजत क्लियर है, कुछ भी नहीं है सर, कर लेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम देखो जरा, ये भी कई बार पूछ लेता है, इसको भी समझ लेते हैं। अ लाइट केबल विथ स्पान 40 मीटर इज अंडर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 1 kN/m, ठीक है। इफ सपोर्ट आर एट सेम लेवल and the maximum tension allowed in the cable is 30 kN, then what is the maximum allowable dip of the cable? बहुत ही बढ़िया भाई, ये ध्यान से सुनो। आप जानते हो बच्चों टी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था भाई, टी मैक्स की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर, और वी ए की वैल्यू थी डब्ल्यू एल बाय टू होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट एच होल स्क्वायर। ये टी मैक्स की वैल्यू होती है। मैक्सिमम अलाउएबल डिप निकालना है, मतलब एच की वैल्यू निकालनी है, बाकी सर पता है सर, तो रख दें। हाँ सर, तो यहां पे टी मैक्स को हम क्या लिख दें बच्चों? टी मैक्स हमारे पास है, टी मैक्स है हमारे पास 30, टी मैक्स है सर 30, रख दीजिए 30, और ये किलोमीटर में ही रख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ डब्ल्यू इंटू एल 1 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर सर प्लस ये हो जाएगा बच्चे 1 इंटू 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू एच सर एच ही तो नहीं पता तो इसको हम होल स्क्वायर लिख देते हैं सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या मिलता है 30 का स्क्वायर मतलब 900 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2 और फिर उसका स्क्वायर तो ये हो गया सर 400 इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों ओपन कर दिया इसको स्क्वायर रूट हटा के इसको स्क्वायर कर दिया प्लस 40 टू द पावर 4 वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 256000 डिवाइडेड बाय 64 एच स्क्वायर बस यार हो गया सॉल्व कर दो बच्चों सॉल्व और निकाल दो आंसर 256000 डिवाइडेड बाय आंस डिवाइडेड बाय 64 अंडर रूट आंस ओके गाइस आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ एच एंड व्हिच इज इक्वल टू 8.944 मीटर जस्ट सॉल्व इट यू विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू समझे भाई बड़ा सिंपल है कई बार ये भी पूछ लेगा आपसे मैक्सिमम टेंशन दे देगा और उसमें बोलेगा कि आप ये बता दो कि मैक्सिमम डिप कितना अलाउ है तो इतना अलाउ है भाई इससे ज्यादा अगर डिप दोगे तो केबल फेल हो जाएगी अगर इससे कम दोगे तो केबल फेल नहीं होगी सिंपल सी बात समझ में आती है क्लियर सभी को एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस करूंगा ध्यान से सुनो बच्चों मान लीजिए अभी तो आपके एलिवेशन क्या थे सेम लेवल पे थे मान लो आपका एलिवेशन डिफरेंट लेवल पे होता डिफरेंट एलिवेशन ऑफ सपोर्ट सपोर्ट का जो एलिवेशन है बच्चों वो डिफरेंट होता तो कहां पर मैक्सिमम कहां पर मिनिमम ये बात समझ लेते हैं एकदम क्लियर है हमें क्योंकि हमें कॉस थीटा वाला सब कंसेप्ट पता है ये मान लीजिए लोअर एंड है और ये हायर एंड है और इनके बीच में केबल बाइंडेड है कुछ इस तरीके से ठीक है सर और यूडीएल लगा है बच्चों यूडीएल लगा हुआ है स्पान पे ना कि लेंथ ऑफ केबल पे ठीक है मान लेते हैं बच्चों यहां पे जो मैक्सिमम डेप हो रहा है इस सेगमेंट के लिए लेफ्ट सेगमेंट के लिए जो है एच वन और यहां पे लेंथ दी हुई है एल वन इस सेगमेंट के लिए जो मैक्सिमम डेप है बच्चों दैट इज एच टू ये है सर एच टू और यहां पे लेंथ दी हुई है एल टू तो सर टी मैक्स कहां पे होगा आप में से कोई भी जो बता सके टी मैक्स कहां पे होगा जल्दी बता दो आपको पता है कहां पे होगा जल्दी बताओ टी मैक्स कहां पे होगा मैं इसको लिख देता हूं ये एंड ए है ये एंड बी है और ये सी है टी मैक्स कहां पे होगा जल्दी बता दो बच्चों उड़ा दो इसको कहां पे आपको टी मैक्स मिलेगा जहां पे थीटा क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए थीटा ज्यादा कहां मिलेगा वेरी गुड जयेश दिल जीत गए भाई अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो दिल जीत गए रहीना वेरी गुड शकीना नहीं 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 शकीना यू हैव टू चेक इट अमन बी अखिलेश बी वेरी गुड माय डियर फ्रेंड्स यार मैंने अभी तो बोला था कि जहां पर थीटा मैक्सिमम होगा ये देखो ना यार यहां पे टेंजेंट डाला यहां पे टेंजेंट डालोगे ये मिलेगा थीटा टू यहां टेंजेंट डालो ये मिलेगा थीटा वन अरे थीटा टू भाई क्या है मैक्सिमम है और जब थीटा टू मैक्सिमम है बच्चे तो टी मैक्स कहां मिलेगा बी पे मिलेगा अच्छा सर फिर टी मिनिमम यहां मिलेगा नहीं 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 टी मिनिमम वही मिलेगा जहां पे थीटा क्या होगा थीटा क्या होगा सर यहां पे थीटा जीरो है जो थीटा जीरो है तो थीटा मिनिमम है और थीटा मिनिमम है तो कॉस थीटा क्या होगा मैक्सिमम होगा और कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो टी मिनिमम होगा तो टी मिनिमम कहां मिलेगा जहां पर आपकी केबल का मैक्सिमम डिप है क्या है सर मैक्सिमम डिप है समझे समझे बंधु लोग वेरी गुड तो ये थी केबल की कहानी मेरी जुबानी बच्चों
ताकि आप लोग आपके केबल के प्रॉब्लम उड़ा सको एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे भाई केबल का सेशन। और बच्चों जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूंगा। बाकी बच्चों अगर कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे। वही ना जो आपने बात बोली नॉर्मल थ्रस्ट और एक्चुअल नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर की, उससे भी मैं क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोग का वो टॉपिक अधूरा ना रह जाए और समझ में भी आ जाएगा। वो मैं क्लियर कर दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। मैं एक सेशन बना दूंगा और उसके अंदर हम उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी डाउट है बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और तब तक के मैं एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। बच्चों जो भी बच्चे नए हैं और जो ग्रेड अप सुपर को अभी तक ज्वाइन नहीं करे हैं और चाहते हैं हमारी स्टडी को बहुत आगे तक ले जाया जाए, तो बच्चों नो डाउट ग्रेड अप सुपर आपके लिए हाजिर है। और यहां पर आप डिफरेंट कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के बाद आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। गियर अप कंसेप्ट बिल्डिंग है, रैंक अप स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए बनाया गया है, जहां पर प्रैक्टिस ज्यादा होती है, यहाँ पे कंसेप्ट ज्यादा डिस्कस करते हैं। और विजन 2022 कोर्स जो बेसिकली गेट और ईएससी के लिए फुल लेंथ डिजाइन करा गया है। जो भी बच्चे सेकेंड या थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं जो या 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं, वो ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं बाय टेकिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। दूसरी बात यार, आपको यहाँ पे सितारे दिख रहे होंगे, ये सितारे आपको पढ़ाते हैं ग्रेड अप सुपर के अंदर। बच्चों ये है ग्रेड अप अचीवर्स। मैं चाहूंगा कि आप लोगों की तस्वीरें भी यहाँ पे हाजिर हो एक समय पे। ठीक है, और बच्चों एक चीज और, 19 दिसंबर को एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सर कम से कम कॉस्ट में इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना चाहता हूं, तो 19 दिसंबर को बच्चों आपकी एग्जाम है एक, जिसे हमने ग्रेड अप नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट बोला है, GNST। इसको आप दीजिए, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। रजिस्ट्रेशन फ्री है और रजिस्ट्रेशन ओपन है। ठीक है, आप दे सकते हैं। और बच्चों सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको यहां पे मिलेगा स्ट्रक्चर लाइफ कोर्स, मतलब स्टडी प्लान। पहले से आप जानते होंगे कि स्टडी प्लान क्या है, और यहां पे इंडिया की आपको बेस्ट फैकल्टी टीम मिलेगी जो गेट और ईएससी के लिए पढ़ाती है। साथ में ग्रीन कार्ड अगर आप सेपरेटली परचेज करना चाहते हैं तो सेपरेटली करिए, अदरवाइज बच्चों आप इसे ग्रेड अप सुपर के साथ भी ले सकते हैं जो इंक्लूडेड है। उसके लिए कोई सेपरेट कॉस्ट नहीं है, जिसमें आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलता है बच्चों, जो बेसिकली डिजाइन करते हैं टॉपर्स और बेस्ड होता है लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पे। अगर फिर से वापस यही बोलूंगा, ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। एक बात और बच्चों कि जैसे आप लोगों इस पर्टिकुलर क्लास का पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप लोग क्या करेंगे, ग्रेड अप सिविल चैंपियन करके हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेंगे। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और साथ ही साथ बच्चों मुझे भी फॉलो कर लो ग्रेड अप पे, क्योंकि मैं अभी कुछ नई सीरीज लेके आने वाला हूं जो 2021 के लिए इतनी ज्यादा इफेक्टिव होगी कि चार चांद लगाओगे एग्जाम के अंदर, गारंटी है आपको बताऊंगा। 21 दिसंबर से बच्चों मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं वापस से, मिक्स मैथ सीरीज। और मिक्स मैथ सीरीज के अंदर दो सब्जेक्ट मैंने रखे हैं, एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एक रखा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो हम लोग इन दोनों पर्टिकुलर चैप्टर, इन दोनों पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को इन डिटेल में प्रैक्टिस करने वाले हैं, चाहे MSQ हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, या MCQ टाइप प्रॉब्लम हो। सारे प्रॉब्लम हम देखेंगे कैसे डिजाइन करेंगे और कैसे उन्हें सॉल्व करा जाए। तो मैं यहाँ पे डिजाइन करके लाऊंगा खुद के प्रॉब्लम, कोई PYQs नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपने शायद नहीं देखे हैं बच्चों। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्रॉब्लम का लेवल धीरे धीरे मैं हर लेक्चर के अंदर इंक्रीज करता हूं, पहले बेसिक से फिर एडवांस तक हम चलते हैं। ठीक है, तो आप वो सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 21 दिसंबर से बच्चों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, जिसमें हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कवर करेंगे। उसके लिए आप कुछ मत करो बच्चों, सिर्फ मुझे फॉलो कर लो ग्रेड अप पे, आपको ये सीरीज थोड़े दिन में ही दिखने लग जाएगी। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई सेशन माई फ्रेंड्स। और फिर से वापस से कल मिलेंगे बच्चों हमारे इसी YouTube चैनल पे सिविल चैंपियन। ठीक है, चलिए भाई, गुड डे।